नमस्कार। इस बुलेटिन में आगे हम आपको दिखाएंगे राम रहीम की रास्तार हनीप्रीत का कबूलनामा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है हनीप्रीत को लेकर। हरियाणा पुलिस पंजाब के भटिंडा गांव गई है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के भटिंडा जिले के जंगी राणा गांव में पुलिस लेकर गई हनीप्रीत को। 38 दिन फरार रहने के दौरान ये बताया जा रहा है कि हनीप्रीत कई दिन तक भटिंडा में रही थी। हनीप्रीत की पुलिस रिमांड 6 दिन की जब खत्म हुई तो 3 दिन की और रिमांड बढ़ाई गई है और लगातार हनीप्रीत से राज निकलवाने की कोशिश कर रही है पुलिस। 38 दिन फरार रहने के दौरान कई बार भटिंडा गई थी और अब भटिंडा लेकर पहुंची है हरियाणा पुलिस पंजाब के भटिंडा। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये बताइए, 38 दिन तक फरार रही हनीप्रीत, पहले कुछ कह नहीं रही थी, अब ये कहा जा रहा है कि उसने अपना गुनाह कबूल लिया है, भटिंडा ले जाने के पीछे वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए, भटिंडा ले जाने के पीछे पुलिस की यही वजह है कि अब इन 3 दिनों में पुलिस को वो सारे सबूत इकट्ठे करने हैं जो पुलिस पिछले 6 दिनों में नहीं कर पाई थी, क्योंकि 6 दिनों में पुलिस जो हनीप्रीत थी वो पुलिस से लगातार झूठ ही बोलती रही, पुलिस के हाथ कुछ ज्यादा सबूत नहीं लगे थे। अब पुलिस को उम्मीद है कि हनीप्रीत सच बोल रही है, यही वजह है कि हनीप्रीत को लेकर पुलिस भटिंडा गई है और आगे उन जगहों पर भी लेकर के जाएगी, जैसे सिरसा लेकर के जाएगी, राजस्थान लेकर जाएगी, हिमाचल लेकर के जाएगी, जहां जहां हनीप्रीत फरारी के दौरान रुकी थी। तो फिलहाल अभी भटिंडा लेकर के गई है पुलिस, अब आगे कहां लेकर के जाएगी ये देखना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हनीप्रीत से ऐसे ठोस सबूत अब पुलिस को चाहिए जिससे कि 3 दिन बाद जब हनीप्रीत की रिमांड खत्म हो तो अदालत के सामने भी इस पूरे मामले को लेकर हनीप्रीत की संलिप्तता पर पुलिस सबूत रख सके। और ऐसे में भटिंडा लेकर पहुंची है पुलिस हनीप्रीत को। हनीप्रीत से पूछताछ में हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत ने कबूल कर लिया है कि वो 25 अगस्त को पंचकुला में हिंसा भड़काने की साजिश में शामिल थी। 25 अगस्त को राम रहीम को 2 रेप केस में दोषी करार दिए जाने के बाद हिंसा भड़की थी जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई थी। 38 दिन तक पुलिस को छकाया, हफ्ते भर पुलिस को पूछताछ में कुछ नहीं बताया, कल कोर्ट में हनीप्रीत का रोना काम ना आया, आखिरकार टूट गई हनीप्रीत, पुलिस के सामने कबूला गुनाह, हनीप्रीत का कबूलनामा। हरियाणा पुलिस को दूसरी बार हनीप्रीत की रिमांड मिली तो उसने शुरू की कड़ी पूछताछ। हफ्ते भर से टालमटोल कर रही हनीप्रीत आखिरकार टूट गई और उसने राज उगलने शुरू कर दिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हनीप्रीत ने कबूल किया कि वो 25 अगस्त को पंचकुला की हिंसा की साजिश में शामिल थी। 25 अगस्त को पंचकुला की हिंसा के पीछे कोई साजिश थी? हाँ। क्या आप उस साजिश में शामिल थी? हाँ। क्या उस दिन राम रहीम को भगाने की कोई प्लानिंग थी? पता नहीं। साजिश वाला लैपटॉप और नक्शा कहाँ है? पता नहीं। 25 अगस्त को पंचकुला कोर्ट ने जैसे ही राम रहीम को सजा सुनाई, शहर जल उठा था। पंचकुला में भीड़ हिंसक हो गई है और इस वक्त आप देख रहे हैं सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच में किस तरह से पथराव हो रहा है। गाड़ियों को आग लगा दी गई है और गाड़ियों को आग लगाने के बाद पुलिस से लोहा ले रही है भीड़, पथराव हो रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आग लगाई गई है। 25 अगस्त की हिंसा में 36 लोग मारे गए थे। पंचकुला की हिंसा के मामले में हरियाणा पुलिस पहले ही हनीप्रीत पर देशद्रोह का केस दर्ज कर चुकी है। हरियाणा पुलिस को उम्मीद है कि साजिश में शामिल होने की बात कबूल करने के बाद हनीप्रीत जल्द ही डेरे से जुड़े कई और राज खोल सकती है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।